हेलो फ्रेंड्स, होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड गुड। जैसा कि हमने कल का मार्केट एनालाइज किया था कि मंडे को ओपनिंग कैसे होगी, मार्केट ने सेम वैसे ही ओपनिंग दी थी। जैसे कि मार्केट इस रेजिस्टेंस से नीचे के साइड क्लोजिंग दी है नेक्स्ट रेजिस्टेंस तक, और उसके बाद मार्केट ने इनसाइड कैंडल बनाई, और उसके बाद फाइनली मार्केट ने एक ब्रेकआउट दिया, और उसके बाद हमने इस कैंडल की रीटेस्टिंग पे एंट्री ली थी, और जिसमें हमने 20 पॉइंट का एसएल रखा था। उसके बाद मार्केट ने हमारे फेवर में जैसे ही मूवमेंट दिया, उसके बाद हमने अपना एंट्री कॉस्ट टू कॉस्ट कर लिया था, और इसमें हमने नो प्रॉफिट नो लॉस पे हमारी ट्रेड से एग्जिट हो गए थे। उसके बाद मार्केट ने अराउंड 11:25 की कैंडल पे 19,605 का लेवल रिटेस्ट किया, और जैसा मैंने प्रीवियस वीडियो में बोला था कि ये लेवल काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और मार्केट ने इसे सेम लेवल से रिकवरी करना शुरू कर दिया। बट हमने इस ट्रेड में एंट्री नहीं बनाई, क्योंकि जैसे ही मार्केट ने ब्रेकआउट दिया यहाँ पे, इसने फटाफट मोमेंटम देना शुरू कर दिया और हम एंट्री नहीं ले पाए। और इसमें मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स ने, किसी ने भी मेरे हिसाब से एंट्री नहीं बनाई होगी, क्योंकि ये अनएक्सपेक्टेड मूव था जो कि पूरा आ गया एक ही बार में विदाउट एनी रिट्रेसमेंट, और ये मूव डायरेक्टली अपने रेजिस्टेंस तक दूसरे पहुंच गया 19,721 तक। सो इस ट्रेड में किसी ने भी एंट्री नहीं बनाई होगी, सिर्फ इस ट्रेड में उन्हीं लोगों ने एंट्री ली होगी जो कि नए ट्रेडर्स हैं, और उन्होंने बस ब्रेकआउट जैसे ही हुआ उन्होंने डायरेक्टली एंट्री इस पॉइंट पे ले ली होगी 12:10 की कैंडल पे विदाउट एनी रिटेस्टिंग एंड नथिंग, और जो कि बहुत ही आज पैसा किससे प्रॉफिट हो गया। बट हर दिन सेम नहीं होता, तो उन्हें आगे चल के लॉसेस भी होंगे अगर वो सेम साइकोलॉजी पे ट्रेड करेंगे। सो आई होप आपको ये ट्रेडिंग रिपोर्ट समझ में आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे। मिलते हैं कल के ट्रेडिंग हाउस में।